मतलोडा के अटावला गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अटावला व हिंदू हाई स्कूल अटावला में मानव अधिकार संस्था ब्रेक थ्रू द्वारा स्टूडेंट काउंसिल की प्रक्रिया पूर्ण करवाई गई, जिसमें दोनों स्कूलों में पहले छठी से बारहवीं तक कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव किया गया। हर कक्षा से दो प्रतिनिधियों को वोट डालकर चुना गया। वे दोनों स्कूल से कुल 10 से 14 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में एक प्रेसिडेंट व एक वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कर बाकी बच्चों कमेटी के कामों के बारे में बताया गया। हिंदू हाई स्कूल अटावला से कमेटी की प्रेसिडेंट 10वीं क्लास से तनिषा रही, वे वाइस प्रेसिडेंट 10वीं क्लास से आत्माराम रहे। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अटावला से प्रतिनिधि कमेटी के प्रेसिडेंट 12वीं क्लास की छात्रा पिंकी वे वाइस प्रेसिडेंट 10वीं क्लास से सुमित रहे। कक्षा प्रतिनिधियों को चुनने के बाद असेंबली में सभी प्रतिनिधियों के साथ एक शपथ ग्रहण समारोह किया गया, जिसमें पूरा स्कूल स्टाफ व बच्चे उपस्थित रहे। जैसा कि आप पिछले साल से ही देखते आ रहे हैं कि ब्रेक थ्रू जो नामक एक संस्था है, एनजीओ है, वो आपके बीच में बहुत सक्रिय है। अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें आपको बता रहे हैं, और जो खास आज के लिए जो प्रोग्राम है वो एक बड़ा सराहनीय कदम है। ये बच्चों को बताया जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी होती है, सीनियर बच्चों ने पढ़ा भी है लोकतांत्रिक प्रणाली भाई क्या चीज़ है, लेकिन छोटे बच्चों को अब तक पता नहीं है। लोकतांत्रिक प्रणाली स्टेप टू स्टेप होती है, बटे हुए होते हैं उसमें, विभाग बटे हुए होते हैं और हर व्यक्ति अपने विभाग के लिए जिम्मेदार होता है। वो अपने विभाग को पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा देता है, अपना सब कुछ अपने विभाग को सफल बनाने के लिए देता रहता है, और एक उनका हेड होता है जो प्रेसिडेंट के रूप में होता है। तो आपकी कमेटी स्कूल में बनी, गवर्निंग बॉडी बनी, एक स्कूल संचालन के लिए है ये। अब आप देखोगे कि भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ सीख रहे हैं। एक बच्चे को मिल गया एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट का मतलब क्या है कि वो बच्चा देखे मेरे स्कूल में कहाँ कमी है, कौन सा बच्चा कमज़ोर है, कौन सा बच्चा ऐसा है कि जो बार बार बोलने पर भी होमवर्क वगैरह नहीं कर रहा, तो उनकी समस्या जाने, भाई क्या प्रॉब्लम है आपको, काम क्यों नहीं कर रहे, घर परेशानी है, स्कूल में परेशानी है, या मानसिक रूप से कोई परेशानी है। तो यदि आपस में कोऑपरेट करेंगे बच्चे, टीचर तो करते ही करते आपको हर रोज कुछ ना कुछ बोला जाता, यदि बच्चे भी आपस में सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, तो उसका मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकलेगा। तो जब प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक बच्चा स्वस्थ होगा तो देश अपने आप स्वस्थ होगा, देश का वातावरण स्वस्थ होगा। तो इनकी ऊपर जब बच्चे आपस में सहयोग करेंगे, आपस में जब विचार रखेंगे, तो कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, समझ गए। और उसके बाद एक दो और जो भाई डिपार्टमेंट दिया है, उन डिपार्टमेंट में अपने आप में एक दूसरे को शामिल करें, सहयोग करें, और इस प्रकार आप क्या हो जाओगे, एक प्रशासनिक अधिकारी बन जाओगे। धीरे धीरे आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, छोटे लेवल से शुरू हो रहे हैं, बड़े लेवल पे अपने आप पहुंच जाओगे। हाँ, ब्रेक थ्रू हरियाणा के 90 स्कूलों में और 4 जिलों में, रोहतक, पानीपत, सोनीपत और झज्जर में लिंग भेदभाव या लिंग चयन के खिलाफ काम कर रही है, जिसमें हरियाणा में मुख्यतः लड़का लड़कियों के बीच होने वाले भेदभाव को ख़त्म करना और लड़कियों को भी लड़कों के बराबर के मौके मिलें, और लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या में भी जो हरियाणा का लिंग अनुपात लगातार गिर रहा है उसमें सुधार आया, यह ब्रेक थ्रू का मुख्य उद्देश्य। कितने समय से जो है ये संस्था कार्य कर रही है? ब्रेक थ्रू हरियाणा में 2013 से स्कूलों में, कॉलेजों में और सरकार के साथ मिलकर के काम कर रही है, और इस समय ब्रेक थ्रू 4 राज्यों में 90 स्कूलों में काम कर रही है, जिनमें सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर में। और अभी हम लोगों ने एक बेहतर स्कूल के कंसेप्ट को लेकर के, एक बेहतर स्कूल कैसा हो जिसमें लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, छात्रों की अपनी प्रतिनिधि कमेटी हो, अलग अलग कमेटियाँ जो है वो काम करें, और स्कूल की, स्कूल के बाहर समाज के अंदर भी जो भागीदारी है उसको लेकर के काम किया है। और अभी हमने लोकतांत्रिक तरीके से छठी से लेकर 12वीं क्लास में चुनाव के माध्यम से छात्र प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, और आज छात्र प्रतिनिधि कमेटी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है, और अलग अलग जो जिम्मेवारियाँ हैं, जैसे अनुशासन की, स्वास्थ्य की, खेलकूद की, शिक्षा की, साफ सफाई और पर्यावरण की, वो जिम्मेवारियाँ जो है छात्रों और छात्राओं को
दी गई है। आप इसके द्वारा जो है क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके द्वारा हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे हमारी सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चलती है, तो छात्रों को अभी से वो जिम्मेवारियां लेने की भावना और लोकतांत्रिक तरीके से काम करना, टीम के अंदर काम करना, सामूहिक रूप से निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर विकसित हो और वो बच्चे जो है अपने स्कूल और समाज के अंदर एक सकारात्मक भूमिका निभा सकें, ये बच्चों को हम संदेश देना चाहते हैं इस एक्टिविटी के माध्यम से। पिछले 1.5 साल से अपना बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, इनका कार्य बड़ा सराहनीय है और ये हर दिन हर महीने कुछ ना कुछ नया प्रोग्राम लेके आते हैं जो बच्चों को बड़ा रोचक लगता है और बच्चों को बड़े सांस्कृतिक संदेश मिलते हैं, बच्चों को नैतिकता की भी बातें बताई जाती हैं और बच्चे काफ़ी उत्साहित होते हैं इनके आने से और इनका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल रहा है।